हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखेंगे कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी लाइव बैच है, जिसमें पूजा गुलाटी जी मेरे साथ ज्वाइन है और इनके साथ हम एक फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन की प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरी कंप्लीट सिक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पूजा जी, हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एक बार प्रोजेक्ट को समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट है क्या। तो बेसिकली प्रोजेक्ट ये है कि हमें कुछ फोल्डर्स एंड कुछ फाइल्स बनाने हैं। जी हाँ, कुछ फोल्डर्स एंड कुछ फाइल्स बनाने हैं। अब है क्या, इसको एक बार समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना होता है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें डेट वाइज फोल डेट वाइज मंथ वाइज ईयर वाइज फोल्डर बनाने हैं, उस फोल्डर में डेट वाइज फाइल बनाने हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। क्या है कि जब आप कहीं किसी सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो आप क्लिक करते हो, डाउनलोड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल को डाउनलोड नहीं करता है, आपको एक फाइल का लोकेशन देना होता है, उस फाइल में डेटा जाके पेस्ट कर देता है। बिल्कुल ठीक है, उस फाइल में डेटा जाके पेस्ट कर देता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हमें फाइल बनाइए। जैसे कि क्या करें, सबसे पहले मेरे ड्राइव में जाए, एफ ड्राइव भी ले लेते हैं। एफ ड्राइव के अंदर पहले से फोल्डर है, मैं ये फोल्डर्स डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सिस्टम में चेक करें कि 2021 का फोल्डर है या नहीं। अगर 2021 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं हो है तो मुझे एफ ड्राइव में 2021 का फोल्डर क्रिएट कर पहला। फिर 2021 के अंदर चेक करें कि इस महीने जो अगस्त चल रहा है, अगस्त का फोल्डर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगस्त नाम का फोल्डर क्रिएट कर। इस अगस्त वाले फोल्डर में जाए और फिर न्यू करते हैं, और यहाँ पे हम फोल्डर पे क्लिक करते हैं। आज तारीख कितना है, 4/4 का फोल्डर क्रिएट कर, है तो ठीक है, नहीं तो 4 का फोल्डर क्रिएट कर दे। और इस 4 के अंदर एक फाइल क्रिएट करे एक्सेल की, और यहाँ पे वो 4 नाम का फाइल बना दे। समझे? करेक्ट। और हर दिन हमारे सिस्टम डेट सिस्टम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये हर दिन जैसे मैं रन करूँ तो ऑटोमेटिक ये बना दे, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर इस 4 पहले फाइल में आके डेटा को डाल सके। ठीक है, हाँ जी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं प्रॉब्लम में? हाँ नहीं, यहाँ तो यही, हम फोल्डर फोल्डर में फाइल एक्सेल क्रिएट कर रहे हैं जी। तो चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम विजुअल बेसिक पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं 2 बिंदु ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और जाहिर सी बात है यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट वन बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें सिस्टम का डेट एंड टाइम चाहिए। एक्सेल पे खर्च होता है, तो एक्सेल पे आपके पास एक टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है, हर दिन अपने आप को चेंज भी करता है। ठीक है, करेंट सिस्टम डेट। और फिर मेरे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से ईयर अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला है जो कि इसमें से मंथ अलग करता है, और डे का फॉर्मूला है जो कि इसमें से डे अलग करता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, देखिए एक्सेल पे कैसे होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, इसमें एक बताया था कि एक वेरिएबल होता है y इक्वल टू, हम बोलेंगे ईयर, और यहाँ पे डालेंगे डेट। तो सिस्टम में जो टुडे का फॉर्मूला है हमारे पास, एक्सेल में जो टुडे का फॉर्मूला होता है, ये टुडे का फॉर्मूला वीवीए में डेट बन जाता है। ठीक है,
ईयर का फॉर्मूला सेम है जो एक्सेल में लगता है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम डेट डेट फॉर्मूला सिस्टम डेट देगा और ईयर उसमें से ईयर अलग करके वाई पे स्टोर हो जाएगा, मतलब कि वाई का जो मान है 2021 हो जाएगा। ओके देन हम यहाँ पे एन इक्वल टू करते हैं मंथ, ये मंथ को अलग करेगा, ठीक है। ठीक देन हम करेंगे डे के लिए, ये डे अलग करेगा, मतलब कि यहाँ पे वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2021, एम जो है हो जाएगा 8 और डी जो हो जाएगा 4। करेक्ट, और ये हर दिन हर साल चेंज होते रहेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे बात जानते हैं कि हम फोल्डर क्रिएट कैसे करें। हमें वर्कबुक क्रिएट करने का बताया था, बट फोल्डर कैसे क्रिएट करें। तो फोल्डर क्रिएट करने का कोड होता है MKDIR। एम के मतलब मेक, डी आई होता है डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ देना होगा, जैसे मैंने बोला एफ ड्राइव के अंदर मुझे 21 नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। जो पाथ दीजिएगा, पाथ के अंदर लास्ट में जो होगा उसको क्रिएट कर दिया, मतलब इस पाथ को कंप्लीट कर दिया। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले तक पाथ कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि ऑलरेडी डेटा इसमें होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो हमने 21 कर दिया जो कि गलत है, क्योंकि हमें तो वाई से लेना है ना। तो मान लीजिए कि मुझे एक्सेल में ही पाथ जनरेट करना हो तो हम इन दोनों को कॉन्केट कर देंगे ना, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाई यहाँ पे सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में एफ स्लैश एन परसेंट वाई, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को वापस हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एन परसेंट स्लैश अगेन एन परसेंट आप एन दे, जैसे कि यहाँ अगर हम करें तो इसमें मुझे एन परसेंट करके स्लैश देना होगा क्योंकि सेपरेटर तो चाहिए, फिर एन परसेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं अगेन डी, ठीक है। ओके। तो तीनों कोड क्या करेगा कि आपका तीन फोल्डर क्रिएट कर देगा, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या, फिर मंथ एंड देन डेट। हाँ, लेकिन नहीं, अभी जैसे मैं रन कर रहा हूँ नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है। क्या लिख रहा है, फाइल पाथ एरर। तो मुझे बताइए कि क्यों एरर दे रहा है, मतलब क्या दिक्कत क्या है इसमें। आई थिंक वो ऊपर वाली कमांड्स डिलीट करने पड़ेंगे। नहीं, उससे मतलब नहीं, वो तो चाहिए थी। ओके, वाई इक्वल टू ईयर वो हमें लिखना ही है। कोड को समझिए और एक्सेल की तरह सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कंप्यूटर समझिए और उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए, तब पता चल जाएगा। कोई तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। सोचिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। हाँ नहीं, आप बताइए, मेरे को समझ में नहीं है। देख यहाँ पे एरर दे रहा है ना, तो आपने अभी भी देखा था कि मेरे सिस्टम पे 2021 का ऑलरेडी फोल्डर था। ओके ओके, था ना। तो एक नाम के दो फोल्डर कैसे बनाएगा वो, बात समझे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सेम नाम का, इसीलिए एरर दिया। जी हाँ जी हाँ, इसलिए फाइल पाथ एक्सेस एरर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ए पाथ है। अब यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते,
हमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये एरर जेन्युइन है। तो कि बट एक कोड चीज है कोड का सुजीत जी, एक मिनट, हमने यहाँ पे तो ईयर दिया नहीं है कि कौन सा ईयर है। हमने यहाँ दिया नहीं यार, नहीं बट कौन सा ईयर है ये तो नहीं दिया, ये करंट ईयर डेट आप उठाए रहे। डेट हाँ डेट दिया ना हमने यहाँ पे, हमने आपसे ले लगा ध्यान नहीं दे रहे। हमने क्या बताया कि जो टुडे फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। एक टुडे फॉर्मूला वीवीए में डेट बन जाता है, तो करंट करेंट सिस्टम डेट दिखाएगा। और जैसे यहाँ डेट से ईयर का फॉर्मूला ईयर अलग किया, ऐसे यहाँ भी ईयर का फॉर्मूला ईयर अलग करके अपने अंदर स्टोर कर लिया, समझे? तो करंट डेट वीबीए में इज इक्वल टू डेट, हाँ सिर्फ डेट, ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी फुल बना हुआ एक कोड की एरर नहीं, मतलब कि दो तरह के एरर होते हैं। एक एरर होता है कोड का एरर कि आपने कोड गलत लिख रखा है या गलत तरीके से लिख रखा है या स्पेलिंग मिस्टेक रख रखा है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तीन जी। चीज़ें होती है। एक होता है कि आपने कोड गलत लगाया है, मतलब कि ए चीज़ के लिए कोड है ही नहीं है, पहला। दूसरा होता है कि आपने कोड तो लगाया लेकिन गलत तरीके से लगाया है। और तीसरा होता है कि आपने कोड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तीनों में से कोई नहीं है। ये जो चौथा एरर होता है वो होता है आपका सिस्टम एरर, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। जैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन पासवर्ड आपने गलत डाल दिया, उसमें वीवीए कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि पासवर्ड ही आप गलत दे रहे हो, वीवीए तो पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ करेक्ट। उसी तरह से वीवीए तो फाइल बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका सिस्टम उसको बनाने नहीं सिस्टम दे रहा अलाउ है, नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, सिस्टम बनाने नहीं दे रहा है क्योंकि सिस्टम कहता है भाई ऑलरेडी बना हुआ है, कैसे बनाने देंगे तुमको। तो उस केसेस में हम एक कोड डालते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। एक मिनट, इसमें देखिए ठीक, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अभी ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा कि जिस लाइन में एरर होगा उस लाइन को स्किप करेगा और दूसरी लाइन में रख करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अगर फाइल बना है तो स्किप कर दो, इसको बना ही नहीं क्या। अगर 2021 का फोल्डर बना है तो फिर फोल्डर बनाने की क्या जरूरत है, उसी फोल्डर के अंदर जाके मंथ का फोल्डर बना देंगे। अगर उसके अंदर मंथ का फोल्डर बना हुआ है तो बनाने की क्या जरूरत है, हम उसके अंदर डे का फोल्डर बना देंगे, समझ गया ना? तो ए क्या करेगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ए आपका उस लाइन को स्किप कर देगा, चलाएगा ही, ठीक है? ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट आगे हर मैंने मोस्टली वीडियो में हम यूज कर, हर क्लासेस में हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आएगा उसके लिए। ओके, बट एक चीज़ है सुशील जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एरर किस वजह से है, सिस्टम एरर है या फॉर्मूला एरर है? आपको कोड्स में कोड्स देखने से पता चल रहा है ना, जब कोड रन करेंगे तो पता चलेगा ना, इसलिए तो बोलो एक्सेल की तो सोचिए ना, क्यों बोला आपको? यहाँ पे मेरा कोड सही है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जब हमने एक मिनट इसको हटाता हूँ, जब मैंने इसको रन किया तो क्या एरर दिया, फाइल पाथ फाइल एक्सेस एरर। इसका मतलब है कि एक्सेल जो है सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अगर कोड गलत लिखा होता, अगर कोड गलत लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइन डाल दी है DRS, अब मैं इसको कोड रन करूँगा तो ये आ गया कंपाइल एरर, मतलब कि जो कोड आपने डाला एक कोड एक्सेस एग्जिट ही नहीं करता है। तो आपको रन होने से पहले इस तरह का कंपाइल एरर दिया, इसका मतलब है कि जो कोड आपने डाला है वो वीवीए में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और तीसरा होता है कि आपने, जैसे कि मैंने हमने यहाँ पे दे दिया कि कुछ ऐसा कोड आपने डाल दिया जो, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया वर्कबुक का वर्कबुक डॉट, यहाँ पे हमने कर दिया वर्क बुक्स, और यहाँ पे हमने कर दिया बुक वन डॉट सेलेक्ट कर, अब इसमें जो एरर होगा ये सिस्टमेटिक एरर नहीं, ये आपका सिस्टम एरर नहीं होगा। देखिए यहाँ हुआ
है, जो इसको रन कीजिएगा तो अभी यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया रन टाइम 9 एरर, सब्सक्राइब आउट ऑफ रेंज, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट जो मेंबर या मेथड या प्रॉपर्टी जो भी है वो हमारा वर्कबुक ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। क्लियर मैम? तो हम डायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू ओपन अ वर्कबुक। हाँ, मतलब कि हम वर्कबुक वन सेलेक्ट कर दिए, तो सेलेक्ट जो है इसका पार्ट ही नहीं है, हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, सेलेक्ट रेंज का पार्ट है, सीट का पार्ट है, वर्कबुक का पार्ट नहीं है। तो सब्सक्राइबर सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ द, इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ द रेंज, मतलब सबस्क्रिप्ट जो है इसके रेंज से बाहर का चीज है, मतलब कि बुक वर्कबुक्स के रेंज जो स्क्रिप्ट है उससे बाहर की चीज है। तो आपको जो एरर देगा एरर से पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब आप डिबग करेंगे तो डिबग करते ही जिस लाइन पे एरर है वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो आपको देखना है कि यहाँ से पहले कहाँ तक पहुँचा है, मतलब कि अभी करेंट सिचुएशन क्या है आपके एक्सेल का। अब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते करते उस सिचुएशन को समझना शुरू कर देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम वर्कबुक को क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्क बुक्स डॉट एड, वर्कबुक्स डॉट एड, और कहाँ सेव करना है आपको, तो सेव करना है इस लोकेशन में। नाम क्या देना है फाइल का, तो हम देंगे यहाँ पे अगेन यहाँ पे इन्वर्टर को देना पड़ेगा, ये स्लैश देना पड़ेगा ना, एन परसेंट डी अगेन एन परसेंट एन डॉट एक्सलेस एक्स। अब बोलोगे कि दो दो बार डी यू के किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, एन परसेंट दिया, स्लैश दिया, और अगेन हमने इसको डी को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो है ए जो है यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे क्या हुआ कि इसको यहाँ पर हम इसमें अगेन एक देंगे स्लैश एन परसेंट, और फिर अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम देंगे एक्सटेंशन डॉट एक्सलेस एक्स। आया? तो ये बार दो दो बार डे है ना हमारा, एक डे इधर है फोल्डर के लिए, एक डे हमारा फाइल के लिए, तो ए डे हो गया फोल्डर, और ए डे हो गया फाइल का नाम, और ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। लेकिन डॉट एड पे तो नहीं चलेगा ना, हमें तो डॉट यहाँ पे सेव एज करना पड़ेगा, एक गलत था आपने बताया भी नहीं मुझे। एड अगर हुआ तो मुझे इसको नीचे तोड़ के लाना होगा ना, यहाँ फिर एक्टिव वर्क भी देना पड़ेगा जो कि मैं लास्ट क्लास बताया था आपको। ठीक है, ओके। ऊपर हमने वर्कबुक क्रिएट की, या तो हम साथ साथ ही सेव करें या नेक्स्ट कमांड देंगे देन एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव जी, ठीक है। लेकिन हमें तुमने बताया कि अगर मुझे पता है कि मुझे इसी नाम से फाइल बनानी है तो फिर हम डायरेक्ट सेव। अब फाइल ओपन हो गई है तो मुझे इस फाइल को क्लोज भी करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो फाइल हमारा ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है, तो मुझे इस फाइल को बना लिया तो मुझे क्लोज सेव भी तो क्लोज भी तो करना है, वरना तो ओपन रहेगा क्या मैम? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ यार, क्या गड़बड़ी है इस टाइम बताइए, कोड में क्या गड़बड़ी है बताइए, क्या गड़बड़ी है कोड में? ये डॉट क्लोज के साथ हमने फॉल्स क्यों लगाया? मैंने बताया था आपको ना कि आप जो फाइल को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देना होता है ना कि फाइल सेव, फाइल को सेव करना नहीं करना, पूछता है डू वांट टू सेव, फाइल को क्लोज करेंगे तो पूछेगा डू वांट टू सेव,
सेव पे करना है तो ट्रू, अगर डोंट सेव पे करना है तो फॉल्स। ये मैंने कल समझाया था आपको। ओके ओके इस तरह से कोड बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी मैम। नहीं नहीं वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा ना सुजीत जी, एक बारी में अगर आप सोचेंगे कोड सारे याद हो जाएंगे वो तो कभी भी नहीं होते, वो तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तभी याद आ रहा है। हाँ तो ध्यान रखना होगा इसके लिए आपको बढ़िया से। पता है क्या दिक्कत है इस लाइन में, और दिक्कत है कैसे पता कैसे चला हमें, सबसे पहली चीज़ को जानना है कि एक कोड में दिक्कत है। तो अभी रन भी नहीं किया फिर भी बोला कोड में दिक्कत है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताना इससे लगोगे कि शुरुआत में आप कोड में काफ़ी गलतियाँ करेंगे, इसलिए चीज़ मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे बता रहा हूँ कि जैसे कि आप जब भी कोई कोड लिखेंगे ना, उसको लिखेंगे आप स्मॉल लेटर या कैप्स लेटर में, टाइटल कैसे मत लिखेंगे, क्योंकि जैसे लिखेंगे आप अगर कोड करेक्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में चल जाएगा। बस यहाँ देख रहे हैं ना, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑटोमेटिक आया रखा है। देखिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं, इसका मतलब कि हमने कोड में स्पेलिंग मिस्टेक किया है। और स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है, यहाँ एक्टिव वर्क बुक होता है, एक्टिव वर्क बुक्स नहीं होता है। आप देखिए अब मैं जैसे नीचे आऊंगा ये बड़ा हो जाएगा, हो गया। ओके कैप्स होना जरूरी है वो अगर सेम नहीं। जी हाँ कैप्स होना जरूरी है, अगर कैप्स नहीं हुआ। अभी आपको नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे थे हमारे कि मैंने बोला कैप्स होना जरूरी है तो क्या करते थे, ऑटोमेटिक अपना कैप्स दे देते, तो पहला लेते कैप नहीं देता था। तो प्रॉब्लम ये था कैप में लिख दिया था थोड़ी है, आपको लिखना नॉर्मल केस में कैप में लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए, टाइटल में मत लिखिए। वो टाइटल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा, अगर टाइटल में कन्वर्ट कर दिया इट मीन्स कोड इज करेक्ट, अगर नहीं कन्वर्ट किया तो क्या होगा, एरर देगा, समझे। तो एक बार मैं अपना सारा फोल्डर डिलीट कर देता हूं और देन इसको रन करता हूं। मेरी वायर रह गई थी यहाँ पे क्या, हाँ जी हेलो पूजा जी आवाज आ रही है, हेलो पूजा जी सुन पा रहे मुझे आप, मैंने कल गलती से पहले तुम्हारा बैग उठा लिया था, मुझे लगा शायद उसकी जिप में डाली ना दियो, मैं सुबह आज सारा ढूंढा मिली नहीं। हेलो पूजा जी आवाज आ रही मेरी आपको, हेलो पूजा जी हेलो हेलो कहाँ से, हाँ जी सुजीत जी, हाँ हाँ वो थोड़ा बीच में ब्रेक, हाँ जी बताइए। तो अब मैं इसको रन करके देख रहा हूँ कि मेरा माइक्रो परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं डेवलपर में जाके माइक्रो में गया और मैं इसको रन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिबग का एरर आया, एक एरर आया कह रहा है फाइल बनानी, यहाँ दिख रहा है ना फाइल पाथ में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो है ए वाली स्लैश लेते हैं, ठीक है ओके। मैं इसको वापस कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट 2021 84 यहाँ से इस पाथ को उठाते हैं।
एक अब जो है अब परफेक्टली रन किया है और मुझे इसको 10% और यहाँ पे हमारा वाई हो जाएगा हमारा। जब हम रन करते हैं तो ध्यान रखिए एक बार इस तरह से मैनुअली रन कर दें देन उसको ऑटोमेट कर देते हैं, ये फाइल एक्सेस करने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो आप हमने क्या किया, हमने वहाँ से जो फोल्डर है फोल्डर से पाथ उठा लिया एक बार मैं डिलीट करता हूँ। अभी बोला मैं ऑन एरर रिज्यूम को डीएक्टिवेट करके रखा हूँ ताकि पता तो चले कि कोड कौन सा कोड एरर दे रहा है, तो याद रखिएगा इस चीज़ का कि इसकी डीएक्टिवेट करके जब फाइनल आपका परफेक्ट हो जाए देन उस कोड को फिर आपको ऑन एरर रिज्यूम को एक्टिवेट करना है, समझ रहे हैं। अब मैं इसको वापस एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड रन, परफेक्टली रन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दीजिए 2021 8 4 और फोल्डर में 4। अब मान लीजिए कि अब मैं क्या करता हूँ कि ये 4 वाले फोल्डर को डिलीट कर दूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब मैं यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट को एक्टिवेट करना होगा, अब ये 8 का फोल्डर बना देगा। इसको रन कीजिए एक बार, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चार फोल्डर बना दिए, फाइल बना दिया, मैं डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि अगर बन गया है फाइल तो कंफर्मेशन दे कि हाँ बन गया, तो इसके लिए हम यहाँ देंगे msgbox और यहाँ पे देंगे प्रोसेस इज कंप्लीटेड या कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ओके मैम, हेलो पूजा जी। हाँ सुजीत जी, ओके एक्चुअली मेरा बीच में वो थोड़ा डिसकनेक्ट हो गया था। अभी ये समझ में आया कोड आपको कि नहीं? हाँ हाँ वो आ गया, वो बीच में एरर किस लिए आया था, एक्चुअली मेरा बीच में डिसकनेक्ट हो गया था तो मैंने देखा। वो एरर आया था इसका पाथ हमने कहीं पे मिसिंग कर दिया था। ओके तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से फोल्डर में जाके पाथ लिया और फिर इसको ऑटोमेट किया। जो स्लैश है ना, कभी कोई कोई पीसी स्लैश इस तरह से लेता है, कोई पीसी इस तरह से लेता है। ओके ओके उसमें उसका ध्यान रखना होता है। ठीक है ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर क्लियर। ओके आपने बोला था नोट्स के लिए, तो मैंने कल आपका लिए नोट्स तैयार कर दिया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आपको जो है वो आर्टिकल मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे? हाँ व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा ये हमने आज किया हाउ टू क्रिएट फोल्डर एंड फाइल्स। जी हाँ जी हाँ, फोल्डर एंड फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे ये किया। इसकी जो मैंने आपको इसकी इसके व्हाट्सएप में कर, इसका आर्टिकल जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा।